दिल्ली में एक बैठक हो रही थी, आरएसएस की बैठक में गई थी और उस बैठक में तय हुआ, वो मुझे नहीं पता कर पाए कि वे एससी समाज के, वो मुझे ये समझे कि ये साध्वी है और साध्वी समझ करके मुझे उस बैठक में बुलाया गया था। उस बैठक में कहा गया कि भारत का संविधान तो हम ऐसा खत्म करेंगे, आरक्षण तो हम ऐसा खत्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर। और जब मैं उस बैठक में मैंने जब सुना और बैठक में सुन करके जब मैं वापस घर आई तो अपने गुरु अच्छे बता के रुके जिससे मैंने बताया कि आज की बैठक में यह तय हुआ है कि भारत का संविधान और संविधान में दिया गया कानून की समीक्षा होगी और संविधान आरक्षण को तो हम ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर। उसी दिन हमारे गुरु अच्छे बता पहला
मैं 2017 से बोल रही हूँ, आज पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है कि हमारा भारत का लोकतंत्र खत्म है, हमारी आजादी खत्म है, हमारा संविधान खत्म है। साथियों कब जाएंगे आप, कब जाएंगे आप, कब उठेंगे, कब जगेंगे? मैं तो कह रही हूँ कि मेरे लिए ना सही, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए हमको आपको एक युद्ध को डालना चाहिए। एक युद्ध होना चाहिए, अगर हम एकजुट नहीं हुए 2022 और 2024 अगर हम कहीं चूक गए तो 2024 के बाद हम कुछ भी नहीं बचा पाए, हम कुछ भी नहीं बचा पाए। अभी आप लोगों ने देखा सुना होगा, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे
निभानी चाहिए, अगर निभानी चाहिए तो क्या हम आप निभा रहे हैं? क्या हम निभा रहे हैं? क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अधिकारी कर्मचारियों की कमी नहीं है लखनऊ में, ये हाल नहीं, इसके जैसे तमाम हाल, बड़े बड़े हाल में जगह नहीं अपनेगी। हमारे अधिकारी कर्मचारी की कमी नहीं, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारी घर में बैठकर तो बात करते हैं, टीवी पेपर सोशल मीडिया पर सुनते हैं, मन में पीड़ा होती है, मन में दर्द होता है, वो चाहते हैं कि कोई रहनुमा निकले, कोई आगे निकले, वो फरमान ईमानदारी प्यार के साथ कोई आगे आवे, हम उसके साथ खड़ा होकर के हम अपनी आजादी को बचावे, संविधान को बचावे। लेकिन जो लड़ना चाहता है, जो चिड़िया चुप गई खेत पर पछताए क्या होते, आज कांशीराम 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 हर व्यक्ति की जुबान पर है, अगर कांशीराम चिड़िया न होते तो हम संविधान नहीं जानते, आरक्षण नहीं जानते, अपनी आजादी नहीं जानते। लेकिन कांशीराम जब तक जिंदा रहे पूरी तरीके से भारत का बहुजन समाज अगर एक कर्तव्य हो गया होता, भारत के प्रधानमंत्री अगर कांशीराम जी मर गए होते तो आज हमको ये रोना नहीं होगा। लेकिन माना हमारे अधिकारी कर्मचारी काम से रूप में अपने पेट भर करके हम बाबानगर साहब का साहस हिम्मत कार्यक्रम कराया, जिनके बदौलत उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सत्ता में हमारी सरकार आई, तो सरकार आने के बाद जब तक कांशीराम साहब की चली, तब तक साथियों
2022-2024 में अगर बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर के इस लड़ाई को नहीं लड़ी गई तो हमारा सब कुछ बेराम आंखों के सामने छूट जाए, गिराने वाली पीढ़ी नाम हो जाए, हमारा समाज नाम हो जाए। इस गुलामी से बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? देंगे। आप लोग सहयोग करेंगे? आप लोग करेंगे तो नहीं, नहीं। आप लोग साथ देंगे? बहुत बहुत मैं शानवा देती हूँ साथियों, मैं बहुत शानवा देती हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती क्योंकि हमारे बीच में हमारे सुमित्रा राव साथी ने बहुत अच्छे ढंग से विषय को रखा है, आप लोगों ने समझा है और हम बच्चे हैं आपके, हमसे ज्यादा आप समझदार हो, हमको आप समझा सकते हो, आप समझ सकते हो। आओ हम सब मिलकर हम इस कारोबार को आगे बढ़ाएं। हम ये नहीं कहते मेरे पीछे चलो, हम कहते हैं आओ हम सब मिलकर इस संविधान को बचा ले। दिए हमारे महापुरुषों ने जो राह बनाया है, जो रास्ता बनाया है, जो लिंक बनाया है, जो चक्रोट बनाया है, जो हाईवे बनाया है, तो हमको रास्ता दे दिया। संवैधानिक अधिकार है, अपने अधिकार की आजादी की जंग हमने छेड़ी है। क्या आप लोग साथ देंगे? देंगे। आप लोग साथ देंगे? देंगे। आप लोग साथ देंगे? साथियों आप लोग साथ देंगे? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांसी राम सुन की हुकूमत ने संविधान दिवस पर हम पर्व दिवस मनाएंगे और पूरे भारत के बहुजन समाज को एकत्रित करके हम संविधान हटाओ आंदोलन करने धारी हूँ। क्या आप लोग सुनिए बोलते हैं देंगे? आप लोग सहयोग करेंगे? करेंगे। वो कार्यक्रम किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं हो। संविधान दिवस, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, बहुजन मूल निवासी महापंचायत का कार्यक्रम कांशीराम मिश्र की उपोल में 26 नवंबर को कार्यक्रम किया जाएगा और उस कार्यक्रम में मैं अपने सभी प्रबुद्ध समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि संविधान दिवस के दिन पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर के लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम मिश्र की उपवन में आप लोग इकट्ठा हो गए, वो कार्यक्रम होगा वो पंच सिंह झंडे के नीचे। सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले जी आप संघर्ष करो। मैं आप लोगों से सहयोग चाहती हूँ, वो अपने लिए नहीं बहुजन की आजादी की राय लड़े, बहुजन समाज बाबा
यादव जी भी उस मंच पर थे। तो पुरुषों को नहीं
मरनी चाहिए। अभी आप हमारे किसानों का दौरा देखा, किसानों को लग रहा है कि हमारी कृषि छीनी जा रही है, हमारा खेती प्राइवेट किया जा रहा है, हमारी आजादी छीनी जा रही है। अपनी आजादी को बचाने के लिए 8 महीने से दिल्ली लखनऊ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 700 लोग, लगभग 600-700 लोग मौत के घाट पर गए, 700 लोग मर गए। लगातार जंग जारी है कि अपनी आजादी की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्या हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे? लड़ेंगे। हमको एक तरफ मुस्लिम समाज तबाह हो रहा है, दूसरे तरफ किसान समाज तबाह हो रहा है, तीसरे तरफ हमारे अनुसूचित जाति लोग तबाह रहे, चौथी तरफ पिछड़ी जाति के लोग तबाह रहे, जनजाति के लोग तबाह रहे। साथियों, सारे लोग मन में बैठा के रखे हैं कि समय आने के लिए हम तो फंस जाएंगे। वो इंतजार हो रहा है तो कौन आगे चलेगा, कौन शेर आगे चलेगा। लोग डरते हैं कि भारत है खा लेगा, काट लेगा, चीड़ देगा, फाड़ देगा, जेल में डाल देगा, फांसी हो जाएगी, संपत्ति की जांच हो जाएगी, कितनी कमाई किए हैं जांच हो जाएंगे। लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, बाघ मान रहे हैं। अरे वो बाघ हो नहीं, बाघ अगर कोई है, शेर कोई है, तो बाबा साहब का संविधान है। Yeah.
करना है, जिन स्थितियों का सामना मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मैं आजादी मैं जीत करके रहूंगी। संविधान काफी लोगों के मोहल्ले में खड़े।